नमस्कार दोस्तों, अभी कल ही रात में टिप्स ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल पे मणि रत्नम जी का ड्रीम प्रोजेक्ट PS1 का ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज हो चुका है। ये एक पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म है और ये तमिल लैंग्वेज की फिल्म है, लेकिन इसको पैन इंडिया लेवल पे रिलीज किया जा रहा है। अब दोस्तों, इस फिल्म की बात करें तो ये फिल्म 1955 में आई हुई कल्कि कृष्णमूर्ति की नोवेल पोन्नियिन सेल्वन के ऊपर आधारित है। अब दोस्तों, इसकी कास्ट के बारे में बात करें तो बहुत ही लंबी कास्ट है, तो हर एक का नाम तो हम नहीं ले सकते, लेकिन बहुत ही बड़े बड़े एक्टर्स हैं। चाहे वो चिया विक्रम ले लीजिए, ऐश्वर्या राय ले लीजिए, त्रिशा ले लीजिए, जयम रवि ले लीजिए, कार्थी ले लीजिए, बहुत बड़े बड़े एक्टर्स लिए गए हैं इस फिल्म में। तो ऑब्वियसली बात है, स्टार कास्ट तो इस फिल्म की बहुत बड़ी होने वाली है। अब दोस्तों, इस फिल्म के ट्रेलर को अगर आप ओपन करके देखोगे तो फिल्म वाकई में भव्य है, मतलब कि देखने में सुंदर लग रही है और ह्यूज कैनवास पे ये फिल्म बनाई हुई है ऐसा हमको प्रतीत होता है। चाहे वो सेट डिज़ाइन ले लीजिए, या फिर जहाज के सीन ले लीजिए, या फिर समंदर के सीन ले लीजिए, और राजा महाराजा का महल का सीन ले लीजिए, तो हर एक सीन देखने में तो भव्य लग रहा है, मतलब कि अच्छा खासा बजट उन्होंने ये फिल्म में लगाया है। और ट्रेलर में अगर आप देखोगे तो हर एक कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन सीन बताया गया है, चाहे वो चिया विक्रम का ले लीजिए, त्रिशा का ले लीजिए, कार्तिक का ले लीजिए, जयम रवि का ले लीजिए, तो हर एक सीन का इंट्रोडक्शन सीन बताया गया है। मैंने इसका ऑफिशियल हिंदी ट्रेलर दिखा है, तो जो वॉइस ओवर है, मतलब कि फिल्म के बारे में अगर जो ट्रेलर में बता रहे हैं, तो वो वॉइस कहीं ना कहीं अनिल कपूर जी की लग रही है, तो शायद वो अनिल कपूर की वॉइस है। आप ट्रेलर में मुझे मतलब कमेंट में ज़रूर कन्फर्म कीजिएगा कि अनिल कपूर की वॉइस है, क्योंकि सुनने में तो वही उन्हीं की वॉइस लग रही थी मुझे। तो दोस्तों, हर एक कैरेक्टर का अपना इंट्रोडक्शन दिया गया है। इवन ऐश्वर्या राय का तो बहुत ही अच्छा इंट्रोडक्शन दिया गया है, उनके इंट्रोडक्शन में तो BGM भी अलग बजता है, जो देखने में और सुनने में अच्छा ही लगता है। अब दोस्तों, ये फिल्म बहुत बार बनते बनते रह गई है। पहले इस फिल्म को किसी और डायरेक्टर ने उठाया था, लेकिन उनका कुछ एक्सीडेंट हो गया और इसी वजह से ये फिल्म शेल्व हो गई। इसके बाद मणि रत्नम जी ने इस फिल्म के इंटरेस्ट दिखाया कि ये फिल्म मैं बनाऊंगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं स्टार कास्ट फाइनलाइज नहीं कर पाए। पहले ऐसा सुनने में आया था कि विजय को कास्ट करेंगे, फिर महेश बाबू को भी कास्ट करेंगे, ऐसे सुनने में आई थी, अनुष्का शेट्टी को भी कास्ट करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये फिल्म को पता नहीं क्या हो गया कि ये फिल्म कहीं ना कहीं रुकते गई और नहीं बन पाए। फिर फाइनली कहीं ना कहीं मणि रत्नम जी ने फाइनलाइज किया कि ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, तो मैं यहीं पे ही काम करूंगा। तो उन्होंने बहुत ब्रेक लिया, मतलब बहुत ये फिल्म बनाने के लिए अच्छा खासा टाइम उन्होंने लिया है। दोस्तों, ट्रेलर से तो कहीं पे भी स्टोरी का अनुमान लगाना मुश्किल है, मतलब कहीं पे भी मुझे स्टोरी के बारे में पता नहीं चला है, तो ये एक अच्छी बात है, क्योंकि ट्रेलर में सिर्फ इंट्रोडक्शन सीन ही हो रहा है और कुछ कुछ जगह पे वॉर के सीन देखने को मिल रहे हैं और कुछ कुछ जगह पे डायलॉगबाजी हो रही है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है वो डायलॉगबाजी। तो फिल्म के बारे में मतलब ट्रेलर अच्छा खासा काटा गया है। एक चीज़ फिल्म की कमी लग रही है कि जो बैकग्राउंड म्यूजिक होना चाहिए वो पावरफुल नहीं है। मतलब ऐसी फिल्मों में एक दमदार बैकग्राउंड म्यूजिक या फिर कुछ ऐसे डायलॉग या फिर कुछ ऐसे सीन होने चाहिए। अभी नो डाउट कि फिल्म देखने में तो भव्य लग रही है, लेकिन ऐसा कुछ सीन नहीं है जो आपको एक्साइट कर दे या चकित कर दे। एक सीन ऐसा आया था जहाँ पे कुछ ऐसा कोई बंदी था, उसको मतलब हाथ पाँव बांधे रखे थे और 3-4 तीर उसके शरीर में घुस गए थे, वो एक सीन देखने में अच्छा लग रहा था, लेकिन उसके अलावा बाकी कोई ऐसे सीन नहीं तो जो देखने में आपको चौंक जाए, मतलब आपकी आंखें फटी की फटी रह जाए। तो ये एक फिल्म मतलब ये एक ट्रेलर में कमी थी। हालांकि ट्रेलर में नहीं दिखाया गया इसका मतलब ये नहीं कि फिल्म में नहीं होगा। ऐसा भी बहुत बार हुआ है कि ट्रेलर में हमें नहीं दिखाया जाता लेकिन फिल्म में अच्छा दिखाया जाता है, और फिल्म में वो चीज़ दिखाई जाती है जो ट्रेलर में नहीं दिखाई जाती। तो होप कि ट्रेलर में नहीं दिखाया गया, मतलब फिल्म में कहीं ना कहीं पे भी ऐसे सीन डाले गए हो जो देखने में अच्छा लगे। अब दोस्तों, इस फिल्म के बारे में मैं बता दूं कि ये फिल्म 500 करोड़ के बजट में बनने वाली है, मतलब कि 500 करोड़ इस फिल्म का बजट दिखाया गया है। अभी कुछ लोग बोलेंगे कि ये तो 500 करोड़ की नहीं लग रही है, लेकिन दोस्तों ये दोनों पार्ट मिला के, इसके दो पार्ट आने वाले हैं, ये PS1 है और PS2 भी आएगा, तो इन दोनों का मिला के 500 करोड़ का बजट बताया जा रहा है, जो बहुत ही बड़ा बजट है। मतलब कि 500 करोड़ के बजट में तो अब बड़ी बड़ी फिल्में ही आ रही है, बहुत ही मतलब आप देख सकते हैं, आदि पुरुष ले लीजिए, अभी RRR है, बाहुबली फ्रेंचाइज है, बहुत बड़े बड़े बजट में बनाई गई है फिल्में, तो बहुत बड़ी बात है, मतलब 500 करोड़ के बजट में फिल्म बनाना। अभी देखते हैं कि ये फिल्म को ये जस्टिफाई कर पाते हैं कि नहीं, हमारे जो इतिहास है, हमारी जो कहानी है, उनको अच्छे से प्रेजेंट कर पा रहे हैं कि नहीं। अगर फिल्म में कुछ भी मतलब इतिहास के साथ छेड़छाड़ हुई या फिर कुछ भी ऐसा उन्होंने सीन डाला कि जो ऑडियंस की मतलब कि जो संवेदना है उसको अगर ठेस पहुंचाती है, ये फिल्म कहीं नहीं चल पाएगी। लेकिन उन्होंने अच्छे से अगर प्रेजेंट किया होगा, हालांकि मैंने ये नोवेल पढ़ी नहीं है, लेकिन अगर नोवेल में भी अच्छा खासा इतिहास जो दिखाया होगा चोल साम्राज्य के बारे में, तो और कहीं ना कहीं ईमानदारी से ये फिल्म बनाई होगी, तो ये फिल्म डेफिनेटली अच्छी चलेगी। इस फिल्म का एक नेगेटिव पॉइंट लग रहा है कि इसका जो म्यूज़िक है
हालांकि वो ए आर रहमान ने दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं वो इतना इम्पैक्टफुल नहीं लग रहा है। इसका एक पहले भी सॉन्ग आ चुका है, कावेरी करके एक सॉन्ग आया था, लेकिन वो भी मुझे सच में इतना इम्पैक्टफुल नहीं लगा, इतना सुनने में पसंद नहीं आया। तो मेरे हिसाब से इसका जो सॉन्ग है वो और बेहतर होने चाहिए थे। आप पिछली फिल्में देख ही सकते, चाहे बाहुबली फ्रेंचाइज ले लीजिए या फिर ट्रिपल आर ले लीजिए, बहुत ही अच्छे सॉन्ग थे। उनके जो लिरिक्स थे वो भी सुनने में बहुत अच्छे लग रहे थे। इवन मैं तो आज भी ट्रिपल आर के सॉन्ग सुनता हूँ, चाहे वो दोस्ती ले लीजिए, नाचो नाचो ले लीजिए, शोले ले लीजिए। इवन एक सॉन्ग तो उनका फेमस भी नहीं हुआ, जननी, लेकिन मैं रोज़ सुनता हूँ वो जननी सॉन्ग, बहुत ही इमोशनल सॉन्ग था। तो कहीं ना कहीं सॉन्ग भी मैटर करता है। तो मेरे हिसाब से सॉन्ग और जो BGM है वो बहुत ही इम्पैक्टफुल क्रिएट करता है। तो मणिरत्नम जी को ये ध्यान रखना चाहिए। अब दोस्तों देखते हैं कि ये फिल्म कुछ हमें नया एक्सपीरियंस करवाती है कि नहीं। हालांकि वॉर सीन और ये सब कंपैरिजन तो होने ही वाला है बाहुबली से, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि बाहुबली फिल्म में जो वॉर सीन और जो सिनेमेटिक एक्सपीरियंस हमको दिया है, तो कोई भी अगर पीरियड ड्रामा फिल्म बनती है उसका कंपैरिजन बाहुबली फिल्म से होता ही है। तो नो डाउट कि वॉर सीन का कंपैरिजन तो हो गया होगा, लेकिन स्टोरी वाइज अगर चोल साम्राज्य को एकदम अच्छे से प्रेजेंट किया जाएगा और स्टोरी वाइज इस फिल्म की कहानी अच्छी निकली, तो ऑब्वियसली बात है इस फिल्म को एक नया मुकाम हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों ये फिल्म 30 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज़ होने जा रही है। तो देखते हैं कि अभी और क्या आना बाकी है, और प्रमोशन होंगे या फिर और कुछ ट्रेलर वगैरह दिखाएंगे और कुछ गाने रिलीज़ करेंगे, तो इस फिल्म के बारे में हमें और पता चलेगा। और 30 सितंबर को आप मेरे रिव्यू का इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा, मैं डिटेल में एनालिसिस करके इसका रिव्यू बनाऊंगा। और आपको ये ट्रेलर कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएगा। तब तक के लिए फिर मिलेंगे।